महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें फिर बढ़ सकती है। हाल ही में रेप पीड़िता का नाम उजागर करने पर स्वाति मालीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब स्वाति मालीवाल के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज हुई है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है। एक वरिष्ठ एसीबी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि सहगल ने शिकायत दर्ज कराई है और इसको देखा जा रहा है। इससे पहले सहगल ने उप राज्यपाल नजीब जंग को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मालीवाल ने एक निजी क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी कर पद का दुरुपयोग किया। घाटी में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। देर रात सुरक्षा बलों की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है। कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में प्रदर्शन के बाद ये हिंसा भड़की है। बड़गाम जिले के चदूरा और खान साहिब इलाके में 2 लोग मारे गए हैं, जबकि सोपोर जिले में भी सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 1 की मौत हुई है। पिछले 4 हफ्तों में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पैलेट गन की वजह से 100 से ज्यादा लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। 2 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संवित की गई इस रिपोर्ट में कहा था कि कश्मीर में 8 जुलाई से शुरू हुई हिंसा में 3 अगस्त तक कुल 872 घटनाओं में 42 नागरिकों की मौत हुई, जबकि 2656 नागरिक जख्मी हुए हैं। जयपुर कांग्रेस ने राजस्थान में गायों के मरने और खराब स्थिति के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जिला कमेटी ने गायों की रक्षा के लिए शनिवार को पहले एक महाआरती और इसके बाद गो रक्षा पदयात्रा आयोजित किया है। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास नगेत पांव करेंगे। बताते चले कि हिंगोनिया गोजातिया पशु पुनर्वास केंद्र में बीते कुछ दिनों में कई गायों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए जिला कमेटी ने बीमार गायों के बचाव के लिए अभियान चलाने की मांग की है। जयपुर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि हिंगोनिया गौशाला में हर दिन सैकड़ों गायों की मौत हो रही है, जिसे कांग्रेस आहत है और इसके विरोध में गोरक्षा यात्रा निकाली जाएंगी। जेडीयू नेता शरद यादव ने देश में बेरोजगारी बढ़ने की तुलना कांवड़ियों की भीड़ से करके विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल कानपुर में जेडीयू की रैली के लिए पहुंचे शरद यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिसका उदाहरण कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ से साफ साफ देखा जा सकता है। शरद यादव ने ये बयान घाटमपुर में जेडीयू की जनसभा से पहले सर्किट हाउस में दिया। शरद ने कहा कि कांवड़ियों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। इनके पास काम होता तो ये सड़कों पर नहीं दिखते। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन पर शरद ने कहा कि उनकी समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सपा को बिहार में परख चुके हैं, इसलिए किसी सूरत में उसके साथ गठबंधन नहीं होगा। अभी अभी ये जो कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवरिये बड़े पैमाने में निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्योहार में जो पानी ढालने वाले हैं, सबसे बड़ा नज़ारा बेकारी बेरोजगारी को वहाँ देख सकते हैं। बड़ी भीड़ बढ़ रही है कांवरिये, वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती यदि मोनों को काम होता तो। वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड के दौरान चट्टान गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में एक बच्चा और एक महिला शामिल है। पुलिस ने बताया कि ये घटना अर्धकुमारी मंदिर के पास हुई, जिसमें एक शख्स की मौत मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं ज्यादातर श्रद्धालुओं को सिर में चोटें आई हैं। जिस जगह ये लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ से वैष्णो देवी मंदिर करीब 6 किलोमीटर दूर है। घायलों को कटरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एडमिट कराया गया है। आपको बता दें कि घटना उस वक्त हुई जब श्रद्धालु माँ वैष्णो के दर्शन के लिए गुफा की ओर बढ़ रहे थे। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग का दौर जारी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के हिलरी क्लिंटन और उनके ओपोनेंट रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप वोटर्स को लुभाने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे।
कैंपेनिंग के इसी दौर में एक स्पीच के दौरान हिलरी क्लिंटन अपने अपोनेंट डोनाल्ड ट्रंप को हस्बैंड बता बैठी। हालांकि वो हस्बैंड शब्द नहीं बोल पाई और खुद को फौरन संभालते हुए कहा, मेरे अपोनेंट इसी बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने काफी संभल कर आगे की बात कही। उन्होंने अपनी और ट्रंप की पॉलिसीज में अंतर को लेकर रिपोर्ट्स को जानकारी दी। बता दें कि हिलेरी के पति का नाम बिल क्लिंटन है। बिल खुद दो बार US प्रेसिडेंट रह चुके हैं। केंद्र गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद में SAARC सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के रवैये को लेकर कल राज्यसभा में बयान दिया। बैठक के बाद भोज में शामिल ना होने को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद में भारत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। राजनाथ ने बताया कि पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने सबको दोपहर के भोज पर आमंत्रित किया था, लेकिन बैठक के तत्काल बाद वे अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए थे। गृह मंत्री ने कहा कि इसके बाद उन्होंने भी भारत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। राजनाथ दोपहर के भोज में शामिल हुए बिना स्वदेश लौट आए। गृह मंत्री ने कहा कि वहां मेरे साथ मर्यादित व्यवहार हुआ या नहीं, इस बारे में कहने में मुझे संकोच होता है। उन्हें जो करना था वह किया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। सऊदी अरब में फंसे भारतीयों के बीच सऊदी के डायरेक्टर जनरल और भारत के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह कल जब जेदा में फंसे वर्कर से मिलने प्रोजेक्ट्स कैंप जेदा पहुंचे तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। वहां मौजूद लोगों ने वीके सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सुषमा स्वराज जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं कुछ फंसे भारतीय वर्कर ने भारत लौटने से इनकार कर दिया। 8 महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण जेदा में फंसे कामगार भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। जेदा में फंसे राजस्थान के कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने हमारी मदद की और वीके सिंह साहब यहां आए इसलिए उनको हम शुक्रिया कहते हैं, लेकिन 8 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली और हम और हमारे घर वालों के ऊपर लाखों रुपए की उधारी है, इसलिए ऐसी हालत में घर लौटना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दूध में मिलावट करने वालों को उम्र कैद जैसी कड़ी सजा देने का कानून बनाने पर विचार करें, क्योंकि दूध का सेवन बच्चों समेत लोगों का एक बड़ा समूह करता है। कोर्ट ने स्वामी अच्युतानंद तीरथ समेत अन्य द्वारा दाखिल जनहित याचिकाओं पर यह फैसला दिया। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध का गोरख धंधा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को कई अन्य निर्देश भी दिए हैं। पिछले 4 वर्षों से सरकार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में बदलाव करने के लिए कहने के बावजूद कोई नतीजा सामने न आने पर कोर्ट ने ये निर्देश दिए। स्पेनिश ट्रेन टेल्गो अपने दूसरे परीक्षण के दौरान शुक्रवार को दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दोपहर 2:46 मुंबई के लिए रवाना हुई। आधुनिक सुविधाओं वाली टेल्गो का 1 अगस्त को भी परीक्षण हुआ था। परीक्षण के दौरान रतलाम के आगे पटरियों के नीचे से मिट्टी बह जाने के कारण ये ट्रेन 1:40 की देरी से मुंबई पहुंची थी। रेलवे दूसरे परीक्षण को सफल बनाने की कोशिश में जुटा है ताकि ट्रेन समय से मुंबई पहुंच सके। रेलवे बोर्ड ने दिल्ली से मुंबई के बीच पड़ने वाले स्टेशनों को जरूरी सुविधाओं की सूचना भेज दी है। इसमें ट्रेन के पहुंचने का टाइम टेबल भी मौजूद है जिससे परीक्षण के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। पिछले परीक्षण में ट्रेन को कई जगह पटरी खाली होने का इंतजार करना पड़ा था, जिसे बचने की भी भरसक कोशिश की जा रही है। वर्तमान में कॉमेडी शो मजाक मजाक में निर्णायक की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज सोहेब अख्तर ने बताया कि वे जब भी भारत आते हैं तो बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के परिवार से मुलाकात करने के लिए उनके घर जरूर जाते हैं। ये बात खुद सोहेब ने कही। सोहेब ने कहा कि जब भी मैं भारत में होता हूँ तो अक्सर सलमान खान के घर जाता हूँ। मैं सलमान से नहीं बल्कि उनके माता पिता से मिलने जाता हूँ। वे अद्भुत व्यक्ति हैं और मैं हमेशा से सलमान और उनके भाई का प्रशंसक हूँ कि वे अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं। सोहेब ने कहा, उनसे मिलने कोई भी जाता है, वे उनका खुशी से स्वागत करते हैं। वे काफी मददगार और महान लोग हैं।